नमस्ते दोस्तों, आज हम सौरमंडल के आठवें ग्रह नेपच्यून के बारे में जानेंगे। यह एक बहुत बड़ा नीला ग्रह है जो सूर्य से बहुत दूर है। नेपच्यून को बिना टेलीस्कोप के देखना इम्पॉसिबल है। यह ग्रह अपने नीले रंग और रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता है। आइए नेपच्यून के बारे में और जाने और उसकी दुनिया को एक्सप्लोर करें। हमारा सूर्य आठ ग्रहों का घर है, जिनमें से हर एक का अपना अनोखा स्थान और विशेषताएं हैं, और नेपच्यून उनमें से आखिरी है। यह ग्रह अपने गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। यह सूर्य से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर है, जो एक अविश्वसनीय दूरी है, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी से लगभग 30 गुना ज्यादा है। इस विशाल दूरी को समझना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इतनी दूरी होने के कारण नेपच्यून तक पहुंचने में स्पेसशिप को भी कई साल लग जाते हैं। यह यात्रा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए वॉयेजर 2 नाम के स्पेसशिप को नेपच्यून तक पहुंचने में 12 साल लगे थे। यह मिशन 1977 में शुरू हुआ और 1989 में नेपच्यून तक पहुंचा। अब चलिए नेपच्यून के मौसम के बारे में जानते हैं। नेपच्यून पर मौसम बहुत ही कठोर और तीव्र होते हैं, जहां तेज हवाएं और विशाल तूफान आम बात है। यहां पर एक विशाल तूफान है जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है, जो पृथ्वी के आकार का है। यह तूफान नेपच्यून के वातावरण में घूमता रहता है। नेपच्यून के कई चंद्रमा भी हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ट्राइटन है। ट्राइटन पर भी कई रहस्यमयी विशेषताएं हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इसके अलावा नेपच्यून के चारों ओर पतले छल्ले भी हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। ये छल्ले धूल और बर्फ के कणों से बने होते हैं। नेपच्यून को रात के आकाश में देखना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है, लेकिन इसे देखने के लिए एक शक्तिशाली दूरबीन की आवश्यकता होती है। तो यह था नेपच्यून का संक्षिप्त परिचय, जो हमारे सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी अनोखी विशेषताएं और रहस्यमय वातावरण इसे एक आकर्षक ग्रह बनाते हैं। नेपच्यून का वातावरण बहुत अशांत है। यह ग्रह अपने नीले रंग और विशाल तूफानों के लिए जाना जाता है। यहां हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो इसे सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह बनाती है। यह हवाएं पृथ्वी पर आने वाले सबसे तेज तूफान से भी तेज हैं। नेपच्यून के तूफान इतने विशाल और शक्तिशाली होते हैं कि वे हमारे ग्रह के सबसे बड़े तूफानों को भी मात दे सकते हैं। ये हवाएं बहुत बड़े बड़े तूफान पैदा करती हैं, जो नेपच्यून के वातावरण को और भी अधिक अशांत बनाते हैं। इन तूफानों में से कुछ पृथ्वी जितने बड़े हो सकते हैं। इनकी विशालता और शक्ति को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। साइंटिस्ट इन तूफानों को स्टडी करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेपच्यून का वातावरण कैसे काम करता है। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तूफानों का निर्माण कैसे होता है और वे इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं। अब आइए जानते हैं कि नेपच्यून कैसे बना था। नेपच्यून का निर्माण और उसका विकास एक रहस्य है, जिसे वैज्ञानिक धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपच्यून एक गैस दानव है, यानी यह ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों से बना है। यह ग्रह अरबों साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना था। यह बादल धीरे धीरे अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता गया और आखिरकार सूर्य और ग्रह बने। नेपच्यून भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। आगे बढ़ते हुए हम नेपच्यून की सतह के बारे में जानेंगे। नेपच्यून की कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि यह गैस और बर्फ की परतों से बना है। इसके वातावरण के नीचे दबाव और तापमान इतने ज्यादा होते हैं कि गैसें तरल बन जाती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के केंद्र में एक चट्टानी कोर हो सकता है, जो पृथ्वी के आकार का हो सकता है। आइए अब इस अद्भुत ग्रह के बारे में कुछ रोचक तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, यह था नेपच्यून ग्रह, जो हमारे सौर मंडल का आठवां ग्रह है। यह ग्रह अपने नीले रंग और ठंडे वातावरण के लिए जाना जाता है, जो रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। नेपच्यून के चारों ओर घूमते हुए इसके 14 झात चंद्रमा भी हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ट्राइटन है। यह ग्रह हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। नेपच्यून की खोज 1846 में हुई थी और तब से यह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नेपच्यून के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है,
जैसे कि इसके वातावरण में होने वाले तूफान और इसके आंतरिक संरचना के बारे में, और वैज्ञानिक लगातार इस ग्रह के बारे में नई नई जानकारी हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। वे नेपच्यून के वातावरण, इसके चंद्रमाओं और इसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। नेपच्यून के बारे में जानना हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह कैसे काम करते हैं। अगली बार मिलते हैं किसी और ग्रह के सफर के साथ। तब तक के लिए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते रहें।